कोसी के कुख्यात डॉन पप्पू देव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से उनके समर्थकों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। पप्पू देव की मौत के बाद अब उसके आपराधिक इतिहास की चर्चा हो रही है। दरअसल पप्पू देव के पिता दुर्गानंद देव पूर्णिया में बिजली विभाग में तैनात थे। पप्पू देव का नाम तकरीबन 1994 के आसपास सुर्खियों में आया था। दरअसल 90 के दशक में कोसी इलाके में तीन बाहुबलियों की तूती बोलती थी, आनंद मोहन गुट, पप्पू यादव गुट और पप्पू देव के गुट का कोसी में सिक्का चलता था। तीनों ग्रोहों जाति आधारित गोलबंदी भी कर रहे थे। आनंद मोहन के पीछे जहां राजपूत समाज की गोलबंदी थी, वहीं यादव समाज पप्पू यादव के समर्थन में था, तो भूमिहार समाज पप्पू देव के पीछे मजबूती से खड़ा था। कोसी में पप्पू देव और आनंद मोहन गैंग में लगातार खींचतान की खबरें आम थी। आइए पप्पू यादव के आपराधिक पेरहिस्त पर डालते हैं एक नजर। पूर्णिया में रहते हुए पप्पू देव बूटन सिंह के ग्रोह में शामिल हो गया था। बूटन सिंह के ग्रोह का कार्बाइन और AK-47 को लेकर पप्पू देव हो गया था फरार। पप्पू देव ने बूटन सिंह के ग्रोह को छोड़कर सहरसा में तैयार किया था अपना गैंग। सब रजिस्ट्रार सूर्यदेव नारायण सिंह के अपहरण के बाद चर्चा में आया था पप्पू देव। सब रजिस्ट्रार सुरेश कुमार और अजय कुमार की हत्या में सामने आया था पप्पू देव का नाम। 2001 में पप्पू देव पर लगा था पारू और कटरा के सब रजिस्ट्रार की हत्या का आरोप। बिहार से लेकर नेपाल तक फैला था कुख्यात डॉन पप्पू देव के आतंक का साम्राज्य। नेपाल के विराटनगर के कारोबारी तुलसी अग्रवाल को पप्पू देव ने किया था अगवा। कारोबारी तुलसी अग्रवाल को छोड़ने के लिए पप्पू देव ने वसूला था 11 करोड़ रुपए। पप्पू देव पर बिहार के अलग अलग थानों में दर्ज हैं अपराध के 150 से ज्यादा केस। वहीं साल 2003 में नेपाल के विराटनगर के पास 50 लाख रुपए की जाली इंडियन करेंसी के साथ पप्पू देव पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। इसके बाद वो 6 जनवरी 2014 तक नेपाल की जेल में ही बंद रहा, लेकिन इसके बाद ही बिहार पुलिस ने पप्पू देव को दोबारा जनवरी 2014 में ही नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पप्पू देव फिर से तकरीबन 6 साल तक जेल में ही रहा। लंबे समय तक सहरसा जेल में रहने के बाद जब पप्पू देव बाहर निकला तो अपना राजनीतिक रसूख बढ़ाने में जुट गया। पप्पू देव और उसकी पत्नी पूनम देव राजनीति के साथ साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हाथ आजमा रहे थे। देव कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी बनाई जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर खुद पूनम देव है। हाल ही के दिनों में पप्पू देव का मुख्य धंधा करोड़ों अरबों की विवादित जमीन पर जबरन कब्जा कर पैसा कमाने का था। इस बार भी किसी विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए ही पप्पू देव मौके पर पहुंचा था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उसे धर दबोचा। डॉन पप्पू देव और उनकी पत्नी पूनम देव ने राजनीति की दुनिया में भी अपना भाग्य आजमाया था। पूनम देव ने साल 2005 में बिहपुर विधानसभा से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं 2015 में महेशी विधानसभा से भी पूनम देव ने चुनाव लड़ा था। वहीं पप्पू देव ने साल 2020 में खगड़िया के परबत्ता से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि 90 के दशक के बाद बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के लिए स्पेस घटता चला गया, इसीलिए राजनीति के दुनिया में ना तो पप्पू देव और ना ही पूनम देव का सिक्का चल पाया। अब पुलिस की कस्टडी में पप्पू देव की मौत को लेकर उसके समर्थकों और परिवारों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि परिजनों के आरोप की सच्चाई का पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन पप्पू देव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कोसी में एक अध्याय का अंत हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।